जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नुमान लाशारी एक दफा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ योर फेवरेट प्रोग्राम व्हिच इज कॉल्ड द बेसमेंट। जी हाँ, आज भी बेसमेंट की बहुत स्पेशल एपिसोड है। उसकी स्पेशलिटी की वजह जो है वो ये है कि आज हमारे इस प्रोग्राम की मोहब्बत में और आप सब लोगों की मोहब्बत में यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट आया है ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कि जब एक शहर से दूसरे शहर में जाना भी इतना मुश्किल हो जाए, तो ये लाहौर से चल के नहीं, गाड़ी में आए होंगे आई एम श्योर, लेकिन ये लाहौर से ऑल द वे यहाँ पे हमारे पास आए और हमारे इस प्रोग्राम को उन्होंने रौनक बख्शी है। इनका भी इंट्रोडक्शन कराते चलेंगे। जनाब कुछ बातें आपसे कुछ शेयर करनी थी, मैंने लाजमी करनी थी, वो ये कि आजकल के दौर में हर बंदे को जल्दी होती है। जाहिर है हर बंदा बहुत इंपॉर्टेंट जॉब कर रहा है जिसकी वजह से वो अपना घर को संभाल रहा है, ख्वाह वो बिजनेस कर रहे हैं, ख्वाह वो शॉप खोल के बैठे हुए हैं या फिर किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा हमें रोड्स के ऊपर कम दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जैम्स भी हो जाती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते हैं, आपको नजर भी आते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा एक तो जो कहते हैं ना कि बेहिसी को मार के थोड़ा सा दूसरे को भी जगह अगर आप दे देंगे तो उससे कोई हर्ज नहीं होगा। यानी आप अगर 10 सेकंड्स लेट हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है, 10 सेकंड्स यार मैटर नहीं करता, लेकिन आप खुद तो निकल जाएंगे लेकिन आपकी वजह से वो जो पीछे 1 घंटा वेट कर रहे हैं वो फिर कितनी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, वो फिर जाहिर है आप खुद बहुत अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। जब आप इंट्रोडक्शन कराते चलें आज के इस प्रोग्राम का और आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाहौर से आए हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, आप यकीन कीजिए, अभी हमने उनको सुना और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि हमारे इस तारीफ को वो बड़ा पॉजिटिवली लेंगे क्योंकि ही इज़ वेरी यंग। तो जब हम भी यंग थे कोई तारीफ करता था तो हम यूं करके हो जाते थे थोड़ा सा कि हाँ बस कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जाहिर है ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं और उनको हर चीज़ का पता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब चीज वो जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छा स्माइलिंग सा चेहरा है उनका, बड़ा अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी टोन है, समीर अब्बास। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम समीर अब्बास। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास यार, आपको मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। थैंक यू, मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। रियली? सीरियसली? जी चलो यार, पहला बंदा है वैसे जो कह, चलो अच्छा है। समीर मुझे खुशी इसलिए भी हुई कि आप माशाल्लाह आपने अपने आप को एक जगह पे नहीं रखा कि यार मैं, अगर मेरी इंग्लिश टोन है या इंग्लिश आवाज है तो मैं उससे सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग्स ही गाऊं। आप उर्दू भी गा रहे हो, अभी मैंने सुना आप क्लासिकल भी बीच में थोड़ा सा उसको मिक्स करते हो, उसमें अरबिक भी बीच में डालते हो, यार बहुत अच्छे, वेरी स्मार्ट आई मस्ट से। थैंक यू। मान भाई, हमारे बैंड पल्स दी बैंड की हमेशा से यही कोशिश रही है कि कुछ नया किया जाए, इनोवेशन हो। अमीर के हमेशा थीम्स होते हैं जिन पे हम वर्कआउट करते हैं, तो अमीर का यही थीम था कि डिफरेंट ऐसे ही होगा कि जैसे कि हमारी बी बॉइंग डांसिंग भी है बैंड। हाँ। तो इसमें इसी तरह डिफरेंस आए, जैसे कि अब इंग्लिश गाते हुए मैंने बीच में क्लासिकल टच भी दिया। हाँ। तो डिफरेंट टचेस के साथ वो खूबसूरत और वैरायटी जब आएगी तो वो एक डिफरेंट चीज, जिसको कहते हैं फ्यूजन है आज के दौर में, इनोवेशन। अच्छा भाई, कहते हैं कि अगर आपने तरक्की करनी हो, आगे जाना हो, तो अमीरों के साथ उठा बैठा करें। जो अमीर लोग होते हैं ना उनके साथ जरा उठना बैठना बेहतर होता है। आपके साथ कोई अमीर बैठा हो ना तो समझा करें, मतलब बंदा बहुत आगे जाता है। तो समीर जो अंदर से अमीर जो अंदर से समीर बहुत आगे इसलिए भी जाएंगे इंशाल्लाह, वैसे तो और भी बहुत सारी खसूसियात है इनमें, लेकिन इस वजह से भी जाएंगे कि इनका उठना बैठना अमीर के साथ है। अमीर कौन है वो इंट्रोडक्शन कराते हैं। अमीर इनके भाई का नाम है जी, अमीर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। अमीर अब्बास, कैसे आप? अमीर अब्बास ठीक ठाक, आप सुनाएं? फर्स्ट क्लास है, आप ठीक ठाक हैं? यार बड़ा अच्छा नाम है आपका, यानी बंदा किसी को नाम बताया अगला बंदा वैसे ही थोड़ा प्रेशर में आ जाता है कि यार नहीं यार ये तो वैसे ही अमीर आदमी है, इसके साथ ज्यादा बात ना करो। वेरी वेरी ब्यूटीफुल नेम आई मस्ट से। और माशाल्लाह आज के दौर में किसी सिंगर को या म्यूजिशियन को मैनेज करना आई थिंक सबसे मुश्किल टास्क है ना। उसकी रीजंस बहुत सारी ये भी हैं, उसमें से एक रीजन ये भी है कि यार सिंगर्स बड़े नखरेलू से होते हैं, बड़े सुस्त से होते हैं, ऐसे है ना? बिल्कुल है ना, अपनी अपनी तबीयत के मालिक होते हैं, अब उठना है तो उठ जाएंगे, नहीं उठना तो किसी ने खाना पूछा तो खा लेंगे, नहीं पूछा तो खाएंगे ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में स्पेशली जब आपका भाई हो उसको मैनेज करना, बैंड को मैनेज करना इज अ टफ टास्क है ना। नो, इट्स नॉट सच अ टफ टास्क बिकॉज़ हम सारे भाई हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के नेचर को जानते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती सारा कुछ मैनेज करने में। बहुत आराम से हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और जैसे आप कह रहे हैं कि नखरे वगैरह होते हैं कि कोई मांगे, खाना मांगेगा तो देंगे वरना नहीं, वो भी कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है सादगी। और लाहौर का बंदा और खाए ना,
माशाल्लाह हमारे जितने लाहौर के तो बहुत हैं कि इसे अंदाजा लगाएं कि मैं बीच में 2-3 साल के लिए लाहौर शिफ्ट हुआ अपने भाई की तरफ और उस जमाने में पढ़ रहा था. जब मैं वापस आया तो मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया था. तो आप सोच सकते हैं कि जो लाहौर का पानी है और लाहौर की फूड है वो बहुत जबरदस्त है और बहुत मजे की है. ओके जनाब, जाहिर है हमारी इस महफिल में सिर्फ सिंगर्स नहीं होते, म्यूजिशियंस भी होते हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी महफिल, किसी भी सिंगर के लिए. जब तक म्यूजिशियन ना हो तो यार सिंगर तालियां बजा के तो नहीं गा सकते ना, मतलब ये अजीब सा लगता है. तो हमारे पास एक बहुत जबरदस्त टैलेंटेड सिंगर हैं जो माशाल्लाह मेरे साथ भी आपको स्क्रीन पे बहुत ज्यादा नजर आते हैं और उनकी अपनी भी पहचान माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है. और आपको जैसे कि बताऊं कि टैलेंटेड, जब मोस्ट टैलेंटेड क्या कहते हैं यार उसको, जुड़वा, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, भूल गया जुड़वे को, ट्विंस, द मोस्ट टैलेंटेड ट्विंस ऑफ इस्लामाबाद पिंडी, अगर कोई अवार्ड शो मुनक्कद कराए तो फिर आप इन दोनों भाइयों को जरूर बुलाइएगा क्योंकि इनसे ज्यादा टैलेंटेड ट्विंस आपको नहीं मिलेंगे भाई, ये तो मेरी गारंटी है. हमारे साथ मौजूद हैं गिटार्स पे बहुत जबरदस्त, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी वेरी टैलेंटेड हारून. हारून कैसे हैं? ठीक ठाक. अच्छा, कितना चैलेंजिंग होता है कि आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ मुलाकात करो और आप उसके साथ बैठो एंड आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और आप उसके साथ प्ले भी कर लो. बिल्कुल, माशाल्लाह हारून भाई बहुत अच्छे भी हैं, मुझे बड़ी खुशी इनसे मिलकर और बड़ा अच्छा लगा कि आजकल के यंगस्टर्स में भी कितना टैलेंट उभर उभर के आ रहा है. यार बात सुनो, आप इसको भाई कह रहे हो तो इसका मतलब मुझे तो अंकल कहोगे आप, ये तो गलत हो गया. मैंने इनकी रिस्पेक्ट की. अच्छा, ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात. मैंने आपको सुना तो मुझे खुद बहुत है ना, अभी जैसे जैमिंग हम कर रहे थे रूम में तो बहुत अच्छा भाई. बाखुदा ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम किस चीज के भूखे, हम टैलेंट के भूखे हैं. जहां पे हमें टैलेंट नजर आता है और हम उसको अप्रिशिएट ना करें तो हम समझते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है ना, जहां पे टैलेंट नजर आए उसकी देर एंड देन आप उसको अप्रिशिएट करें. इस चीज में प्लीज कंजूसी ना किया करें. ये जितने भी हमारे अच्छे लिसनर्स हैं जो बुरा गाने पे क्रिटिसाइज तो जरूर करते हैं लेकिन जब अच्छा कोई गाए तो उसको उसकी हौसला अफजाई नहीं करते, तो कम ऑन, मतलब थोड़ा सा अपने दिल को बड़ा करें. अगेन वो बीमारी वाला बड़ा नहीं करना दिल को, वो बीमारी होती है, दिल को वसी करें. ये मेरी उर्दू अच्छी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये अच्छी बात है. अच्छा जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं. नंबर अनाउंस करता चलूं, आज की इस महफिल का वही नंबर है जनाब, वही जो कि आपकी मोबाइल्स में फीडेड है ऑलरेडी. अगर नहीं है तो मैं बताता चलूं, 0514102357 इज आर नंबर और इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं. पाकिस्तान के बाहर जितने हमारे मेहनतकश भाई हैं जो हमें कॉल करना चाहते हैं, ख्वाह वो दुबई हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं. तो 9251410-2357 पे आप हमें कॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल पे नंबर भी आ रहा है और आप हमें कॉल करें, अपनी राय से हमें आगाह करें. वाह जी वाह, अच्छी बात है, ये उर्दू सीखनी चाहिए. दिया के साथ जो है ना 2-3 प्रोग्राम्स मैंने किए, मेरी उर्दू अच्छी हो गई. अच्छा भाई, ऐसा करते हैं कि बातें तो खूब करनी है. बिल्कुल ठीक है, गपशप लगानी है, दिल के सारे जो हमने जिसको कहते हैं ना खोल देने, गिरे सारे नहीं, कुछ रख लेने साइड पे, लेकिन काफी सारे जो हमने राज जो है ना वो अफशा कर देने. ठीक है जी, तो लेकिन ये है कि हम गाने से आगाज करते हैं प्रोग्राम का. कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं? मेरा एक सॉन्ग है नुमान भाई, जो कि रिसेंटली मैंने किया है. ठीक है, एक रैप सॉन्ग है. वाओ, हाँ जी, और ये मेरा फर्स्ट रैप सॉन्ग है. अच्छा भाई, फर्स्ट रैप सॉन्ग आपका भी है और फर्स्ट टाइम इस बेस्टमेंट की के प्रोग्राम के अंदर. माशाल्लाह, हम बाय द वे हमारे लिए भाई सारे, मैं चाहता हूँ जितने यहाँ पे लोग हैं सब क्लैपिंग करें क्योंकि आप लोग अपने लिए क्लैपिंग करें क्योंकि ये प्रोग्राम आप सब लोगों की वजह से चलता है और उसमें मेरा भी एक मामूली सा हिस्सा, लेकिन ज्यादा हिस्सा आप सब लोगों का है. माशाल्लाह, हाँ आपका भी है, बिल्कुल आपका भी है. इस प्रोग्राम को 50 से ज्यादा एपिसोड हो गई है, माशाल्लाह 52nd या 53rd एपिसोड है. तालियां प्लीज. और ये इस प्रोग्राम की कामयाबी जो है उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि माशाल्लाह 52-53 एपिसोड्स बहुत, और 52-53 एपिसोड्स में आज तक इस प्रोग्राम में हर तरह के सिंगर्स आए लेकिन रैप सिंगर नहीं आया. तो ये फर्स्ट टाइम, ये एक नई चीज हो जाएगी जी प्रोग्राम के लिए. ओके जनाब, हो जाए सॉन्ग.
Yeah. Yeah. Sorry, share it. सारे शहर च गल इक चली होइए ती चोरा नाले रली होइए सारे शहर च गल इक चली होइए ती चोरा नाले रली होइए गल केइए सारी कुल तू दिता सानू चुल ऐस कीमा ते ऐ फुल तेरा लग गया टुल साडा पैसा गया रुल गए कखा वांगू तुल पिया टका नी अमुल गई हर शहर फुल सुक गए साडे फुल साडे पड़े गए कुल सारे शहर दी हालत गली होइए सारे शहर दी हालत गली होइए कुत्ती चोरा नाले चोरा नाले रली होइए yeah. Say no, say no, say no. सानू पांदे नीनी साबे आप लगे ना किताबे असी मिट्टी असी गाबे एही पीर एही बाबे सानू कर लिया ताबे आप बने गे नवाबे असी लसी ए शराबे क्लबा असी ढाबे एना जारी रखे खाबे छड़े खाली हो गए छाबे असी सुख गए ते आप की नी पली होई असी सुख गए ते आप की नी पली होई कुत्ती चोरा नाले रली होई बन बैठे मोर उतो हंस आदि डोर पारो होर विच होर आपे चतर आपे चोर साड़ी खिची देने डोर नाले आपे पांदे शोर एना पापे एंदे छोर हैगे सारे आदम होर लुटी जांदे सानू होर हसी हो गए आम बोर कुर्सी साड़ी ये ते डाकुआ ने मली होई है कुर्सी साड़ी ये ते डाकुआ ने मली होई है कुत्ती चोरा नाले रली होई है कुत्ती चोरा नाले रली होई है लगे थां थां नाके उतो बद गए ने डाके साडे अगे पिछे फाके भुखे मरे गए ने काके तकरीरां वाले फाके बदमाश ते लड़ाके सानू लुट के ते खाके पए कर ते खड़ाके आपे लगे बैठे ताके सड़ी रावा च दमाके हर चौक च गल इक चली होई है हर चौक च गल इक चली होई है कुत्ती चोरा नाले रली होई है कुत्ती चोरा नाले रली होई है से नो से नो Everybody, say no, 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 no. Yeah. We missed the train, the shed the train. All efforts in vain and again, they are still men. They have no heart, we have no brain. Our neck, their chain, they are insane. We are in pain, they are insane, yeah. सानू दस दिए मुश्किल टली होई है सानू दस दिए मुश्किल टली होई है कुत्ती चोरा नाले रली होई है say no everybody say no 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 say no 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 say no everybody say no to them say no to them say no 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 yeah मुलाकात हुई अभी थोड़ी देर पहले तो आपको जब मैंने देखा तो मुझे ऐसे लगा कि जिस तरह यार ये लड़के शायद कोई प्रोग्राम में आई एम वेरी सॉरी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि यार ये प्रोग्राम में शायद बोलेंगे यार ये क्या गाएंगे क्योंकि नॉर्मली जो यहाँ पे लोग आते हैं तो वो यूं करके आते हैं ठीक है ना तो आप माशाल्लाह बहुत अपने अपना वो एंगर और अपनी वो जो एनर्जी है वो सारी स्टेज के लिए बचा के रखी थी ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड जिस तरह से आपने ये इसकी पोएट्री की है